जब मैं उस घर के अंदर गई थी मुझे बहुत डर लग रहा था कॉन्फ्रंटेशन से, और जो मेरे साथ हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिग बॉस, आई हैव बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर, आई हैव डेफिनेटली बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर. और जैसे एज अ वुमन, आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन हिंदी, टू से आई हैव बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर, बट जो एक्सपीरियंस था, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं पेशेंट भी हूँ, मैंने बहुत बहुत सारी चीजें वहां सीखा. हाँ, जो हुआ था पहला थर्ड ऑफ दिसंबर जब हमारी पहली फाइट थी, उसने झूठ बोला मुझे कि टास्क था, टास्क में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे फाइटिंग, झूठ, ये वो, लेकिन गालियां नहीं देना चाहिए और कैरेक्टर, जो पर्सनल चीजें आप नहीं बोल सकते, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको कुछ पर्सनल नहीं बोलना है. और फिर वो बहुत ही पर्सनल हो गया, उसे पर्सनल कमेंट्स बनाए, उसे गालियां मुझे दिया, मैंने इंग्लिश में गालियां उसको वापस दिया, लेकिन मैंने उसका कुछ पर्सनल अटैक नहीं बोला, उसके फेस के ऊपर नहीं कॉमेंट किया, उसके करियर के ऊपर मैंने कॉमेंट नहीं किया जैसे दूसरे लोगों ने किया. और उस दिन उसने वो यहां तक आ रहा था मेरे फेस के ऊपर, और मैं सोची थी ये लड़का मुझे मारेगा, इसलिए मैंने उसको पुश किया पहला दिन कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी. दूसरा दिन दूसरे दिन मैंने उसके साथ बात भी नहीं किया, मैंने कहा आज आई वांट टू स्पीक टू हिम, क्योंकि जो उसने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, जो शाउटिंग उसने किया, आई वॉज लाइक जस्ट स्टे अवे. और एक्चुअली प्रीवियसली जब मैं पहले आई थी, पहले दो तीन हफ्तों में जो हमारा चोर पुलिस का टास्क था, मैंने तनिषा को बोला कि आपने क्यों दिया उसकी चीजें वापस, और उसने बोला आप जानते नहीं हो कि वो कैसा होता है जब वन ही गेट्स एंग्री, जंक फॉर शर्मा, हमेशा मुझे ये कहती है. आई डोंट नो इफ यू सो ऑन कैमरा, पता नहीं अगर आपने देखा या नहीं, लेकिन वो हमेशा मुझे बोल, तनिषा और एंडी ने भी बोला एक बार, आप जानते नहीं हो इस तरह गुस्सा, सोफिया प्लीज यू नो. ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा, मैंने बिग बॉस को पहले देखा भी नहीं, ऑब्वियसली मैंने नाम सुना, सलमान का नाम सुना, लेकिन मैंने शो को देखा नहीं. मैं एक्चुअली लंदन में शूटिंग कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था पैकिंग करने के लिए. मैं लिटरली मैं आई थी, मेरे शूटिंग 9 बजे रात में फिनिश हुआ, फिर सुबह मुझे 5 बजे उठना था, और फिर मैं मुंबई आई, मुंबई एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे लेकर गए. सो मेरे पास आई हैव नो टाइम, आई हैवंट सीन द शो. उसके बाद जब हमारा टास्क था, जो गाड़ी के अंदर सब लोगों को बैठना था, मेरा नॉमिनेशन था अगले हफ्ते का, क्योंकि मैं एक माँ के साथ एक टास्क फेल किया, और उन्होंने बोला कि मुझे जज बनना है. फिर मैंने कुछ साल को बोला ये बहुत बोरिंग है, चलो मैं क्यों नहीं गाड़ी को धोती हूँ, हम मजाक करते हैं. उसने कहा चलो ले लो मोपेट माँ. मैं गई थी वहां बाथरूम में, मोपर बकेट्स होते हैं, मैंने एक चुका, फिर मैं आई वॉज लाफिंग, आप देख सकते हो आई वॉज लाफिंग व्हेन आई केम आउट, एंड मैंने ये बोला आई एम गोइंग टू बी यो, मैं आपकी गाड़ी को धोऊंगी. मैं मजा करना चाहती थी, एंटरटेनमेंट करना चाहती थी. और फिर मेरे पीछे से एकदम अरमान आ गया, उसने वो मॉप को हाथ से ही, जैसे मैं ऐसे कर रही थी, उसने लिया, फिर ये दिस केम दिस वे द हैंडल. फिर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस, आप कौन हो के मुझे बता रहे हो मैं क्या करूं. और फिर गालियां उसने दिया, उसने बोला कि आप मेरे साथ 3 घंटे के लिए आप मुझे टीज कर रहे हो. पूरा दिन मैं काम्या के साथ थी या उनके साथ, सुबह जब मैं उठी थी उस मॉर्निंग, यू नो आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज क्राइंग कि काम्या I can't do this fighting. Sorry, I just get upset when I think about it. और फिर उसने it's quite emotional this whole thing. फिर उसने स्टिक लिया, उसने मेरे फेस के अंदर ऐसे मारा था, वो मॉप ऐसा था उसका स्टिक, फिर उसने he turned it around and put it in my face here. वो भी बॉस ने आपको नहीं दिखाया. उसके बाद ऑब्वियसली मैं एंग्री थी, मैं अपसेट थी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ कि देयर शुड नॉट बी वायलेंस इन द हाउस,
मैं सोच रही थी कि उसी वक्त ठीक है, अच्छे शिवने लोग टिशू दे दो. मैं सोच रही थी कि उसी वक्त कोई आएगा बिग बॉस से सिक्योरिटी जैसे खुशहाल को उन्होंने निकाला. थैंक यू. मैं सोच रही थी कि सिक्योरिटी आएगा क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जब एंडी थैंक यू जब एंडी के साथ वो हुआ था कि सिक्योरिटी आई थी. तो मैं ये सोची थी कि बिग बॉस का घर सेफ है कि अगर कुछ हिंसा होगा कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया. फिर मैं सीधा गई बिग बॉस, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ. मैं रूम के अंदर गई एंड आई ब्रॉट डाउन. आपने नहीं देखा कितना मैंने ब्रेक डाउन किया, आपने नहीं देखा. और मैंने उनको बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे आप दे रहे हो मुझे रख लो, क्योंकि जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन अगेंस्ट मी, मैंने कहा अगर किसी ने मुझे मारा मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ. ना आई एम सॉरी आई सेड बिकॉज कीप योर मनी कीप योर फेम. मेरी मोरालिटी मेरी माय सेफ्टी हैज बीन देयर इज नो सेफ्टी हियर. यू आप लोगों ने मुझे बताया अगर कुछ होगा सिक्योरिटी आएगी. उसने मुझे फेस के ऊपर मारा मॉप के साथ. वो 6 फुट 2 वो आदमी है, मैं लड़की हूं. जब खुशहाल को उन्होंने रिमूव किया है वो the two men, उसने मारा भी नहीं उसको. मैंने देखा नहीं वो फुटेज, लेकिन किसी ने बताया उसने उसको पुश किया है इसे. उन्होंने खुशहाल को निकाला. मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ उठाया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग. बहुत खुश हूँ. जो मैं सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन गई थी और पहले मैं जानती भी नहीं हूँ कि FIR क्या था. जब मैं घर के अंदर थी मेरा खुशहाल ने बोला था, उन्होंने मेरा फेस दिखाया कैमरा को, उन्होंने बोला सोफिया यू हैव टू टेक एन FIR. मैं जानती नहीं कि ये क्या है. ऑब्वियसली मैं पुलिस कंप्लेन बनाना चाहती थी. फिर पुलिस जो सेंट्रल क्रूज में है दे डेल्ट. आई एम वेरी हैप्पी विद द पुलिस. मेरा पूरा विश्वास है जो पुलिस स्टेशन ने यहाँ उन्होंने किया, मेरा पूरा विश्वास है कि जस्टिस होगा. तो क्या पुलिस ने आपको एश्योरेंस दिया कि बिग बॉस के घर में जाकर उसको अरेस्ट किया जाएगा? हाँ, उन्होंने आई मीन दिस इज अ कॉपी ऑफ द FIR. उन्होंने ये बोला कि ये इसमें सेक्शंस जो सेक्शंस हमने फाइल किया 509, 324 और 504 अंडर द FIR.